चलो ऑटो में चल ले, लॉलीपॉप दिलाना। राम राम जी, लॉलीपॉप लेना। घर आ जाओ। इन्वर्टर बैटरी वाला मिस्त्री घर बैठा तुम्हारी बाट में। बोला ठीक है सर, 20 रुपए के फ्यूज वायर ज्यादा। आली पापा तो भड़क रहा पापा, जाओ। फाइनली मैं ना घर पहुंच चुकी थी और बस जैसे तैसे घर पहुंची है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब ही थी। और यहाँ पर अब जो है ना, मेरे सर में तेल डाल रही है और मेरे बालों में कंघे कर देगी। मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की, पर वो है ना, घर पे आते हैं जो बंद घर पड़ा रहता है, फिर आके खोलते हैं तो बहुत काम होते हैं ऐसे। और फिर 2 दिन से घर बंद पड़ा था तो बहुत ज़्यादा धूल कर चढ़ रही थी ऐसे, ना तो खाने को मन करता ना बैठने को मन करता, घर में बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। बंद मकान कहते हैं खंडर, ऐसे ही बात है, बिना औरत के घर घर नहीं होता, और बंद तो बिल्कुल खंडर लगता है। तो अभी बाबू को मैं बोल रही थी कि सबको नमस्ते करो, सबको बोलो मैं स्कूल जाऊंगा। और यहाँ अवनी ने ना नहा के सही वगैरह डाल लिया, हेयर बैंड लगाया, दो छोटी। हेलो गाइस, कैसे लग तुम्हारे चैनल, आशा करता हूँ ठीक हो कि मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मेरी मम्मी को फीवर हो रहा है। मेरी मम्मी आज मतलब अभी बहुत देर हो गई है, मेरी मम्मी घर पे आ चुकी है। मैंने मतलब मेरी मम्मी ने डॉक्टर को फोन करवाया था कि फिर वो डॉक्टर जो आए थे, फिर मम्मी को दवाई दे के गए, फिर मम्मी ने आराम किया थोड़ा बहुत, फिर चाय बनाई, अब फिर मैंने दवाई ले ली, पर अब भी आराम नहीं हुआ मम्मी को। तो मम्मी 2-3 दिन दवाई खा कर देखेगी तो अंकल की, अगर कुछ असर हुआ तो ठीक। अभी यहाँ पर है ना, कायरव को कपड़े पहना रही थी मैं, बहुत मस्ती करता है, बहुत मजाक करता है, तो कह रहा मम्मी आप मुझे कपड़े क्यों पहना रही हो, ये मेरे को टाइट लगता है, मुझे नहीं पहनना है। इसको बिल्कुल भी तंग कपड़े पसंद नहीं करता। अभी छोटे हो गए, मैं सोचू कि अभी क्या लेना, अब की गर्मी तो इनमें निकल जाएगी, फिर सर्दियों में देखेंगे। अभी लेने का हिसाब भी ऐसा ही चल रहा है सब चीज़ों का। और यहाँ अभी मैंने बाल वगैरह कंघी करा लिए, नहा तो ली थी, आके झाड़ू पोछा करा, फिर खाना वाना बनाया बच्चों के लिए, सुबह ही निकल गए थे। आप लोग बोल रहे थे कि आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, अच्छे से नहीं आ रही, बहुत मतलब धीमी आ रही है, कहीं एकांत में वॉइस ओवर किया करो। दरअसल क्या है ना, मेरे को जुकाम बुखार हो रहा है तो मेरी आवाज़ बहुत चेंज सी हो गई है। और यहाँ पर अभी मैंने ना थोड़ा सा बेसन घोल लेना है, लौकी काट लिया है, उसको वॉश करके अच्छे से सुखा लिया है। इस बेसन को थोड़ा चम्मच की सहायता से घोलते हैं ना, और ये हमारा लौकी जो हमने बारीक बारीक काट के रेडी कर लिया है। यहाँ पर अभी जो मैंने बेसन घोल के रखा हुआ था, उसमें लौकी के कतले डालने शुरू कर दिए। एक एक कतला मैंने बेसन में लपेट लपेट के कढ़ाई में डालना शुरू कर दिया। इसको है ना थोड़ी धीमी आंच पर या फिर तेज आंच पर आप इन्हें ना अच्छे से तल सकते हो, और इनका कलर सुनहरा होने तक हमें इनको तलना है। उसके बाद इनको है ना एक प्लेट में निकाल लेना है, और फिर ऐसे ही सारे लौकी को हमें तल लेना है। और उसके बाद मैं इसका क्या करने वाली हूँ आगे वीडियो में शेयर करती हूँ। सब्ज़ी इतनी ज़्यादा महंगी हो, सब्ज़ी को है ना अलग सा बनाने के लिए अपने घर में ही हम कुछ कर सकते हैं। जो मान लीजिए हमें आलू लग रहा है कि आज बेस्वाद लग रहे हैं, उनको स्वादिष्ट बना लेंगे, कुछ और नया तरीका आजमा सकते हैं, नई तरीके से बना सकते हैं। तो उसी तरह मैंने लौकी को कुछ अलग और हर डिफरेंट तरीके से आज बना लेना है। और यहाँ पर हमने जो है ना जीरा डाल दिया था, जीरा डाल दिया, एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया था, इसमें कलर वाली मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, और थोड़ा सा जो है ना चाट मसाला है, धनिया है, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने मसाले को अच्छे से पकाया। उसके बाद जो लौकी मैंने तल के रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ना पानी डालना। आप लोग कल से मुझे बराबर कमेंट कर रहे थे, कल मेरे कमेंट्स ऑफ थे, तो आज मुझे बराबर कमेंट आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके घर वालों ने ऐसा क्यों किया। पहली बात तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि पोता कहीं और से आता है या पोती कहीं और से आती है, सब ईश्वर के घर से ही आते हैं। देने वाला ईश्वर है, सिर्फ हमारे हाथ में है कर्म करना, ठीक है। आपको कहीं से भी लगता है मेरे मम्मी पापा पोता पोती में फ़र्क करते होंगे, इतनी बार वहाँ आए हैं, और उसको देखकर आपको एक बार भी ये चीज़ नोटिस हुई है, क्या लगता है आपको कि बहू को प्रेरित करेंगे इस चीज़ के लिए कि हमें पोता चाहिए या हमें पोतियों की मानता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में, हमारे घर में बेटों से ज़्यादा बेटियों को मान लिया जाता है।
कल भगवान ना करे अगर कोई सी बेटी को कुछ होता है, ज़्यादा तकलीफ होती है या पता चलता है कि बीमार है, वो नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, जाएंगे। वो दिखाना ना दिखाना आपके हाथ में, वो जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे। और ना ही कहने से रिश्ते ख़त्म होते हैं। मेरी गलती बताओ, मेरी गलती क्या है, मैंने क्या बुरा कर दिया भाई? अगर मेरे माँ बाप बीमार हैं उस टाइम पर, मैं वहाँ हूँ, मेरी मम्मी पापा बोल रहे कि बेटी तू ले जा, वहाँ पास में पट्टी अच्छी होती है, तो उसमें ये वाली बात कौन सी आ गई कि बैठा के कोई भी ले जाए? तुम एक बात बताओ यार, मेरी गलती बताओ। मैं खुद ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतनी परेशान हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, मैं किस सिचुएशन से पार रही हूँ, कितना कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, मैं किसी को क्या दुखी करूँ? मैं खुद इतनी परेशान हूँ, मैंने क्या कर दिया? माँ बाप मेरे, मतलब वो क्या बेचारे क्या दुखी कर सकते हैं किसी को, जो खुद इतने दुखी है। मम्मी मेरी बीमार है, आप लोगों को पता ही है, फॉलिस पड़ गया, हर टाइम बीपी हाई रहता है, अंकल जी को चोट लगी हुई है, अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पापा जी सांस के बीमार है, वो क्या पोते की तो चलो दूर की बात है कि पोता पोता, ये तो गलत बात है, वो तो पता नहीं पोतियों की शादी भी देखेंगे या नहीं, इस सिचुएशन में वो जीते हैं। इस वीडियो को देखकर उन पे क्या गुजरा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी, इस चीज़ का अंदाज़ा वो लगा सकते हैं। मेरी मम्मी को कितना दुख हुआ कि मैंने कभी पोता पोती में फ़र्क नहीं किया, ये शब्द मुझे सुनने को मिल रहा है। जो आपको बोल रहा है ना कि माँ बाप ऐसे पोते के लिए दुखी करते हैं, प्रेरित करते हैं, एड्रेस लो, नंबर लो, तो आप एड्रेस लो, नंबर लो, बात करो और हमारे गांव पहुंचो, और हमारे गांव में जाकर ये पूछो कि वो फला आदमी और फली लेडीज अब बहू को पोता पोते के लिए दुखी करते हैं क्या, या कभी इन्होंने दुखी किया है बहू को? और मेरी मम्मी का व्यवहार कैसा रहा गाँव में, हमारा व्यवहार कैसा रहा गाँव में, जाके हमारे गाँव में पता करो, शायद आपकी समस्या का समाधान निकल जाए। उसके बाद मुझे आकर यहाँ कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या वो लगा है, मैंने क्या बुरा कर दिया, क्या उन्होंने इस चीज़ के लिए उन्हें प्रेरित किया है? अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग मुझे आके बोलो, फिर मैं आपको अपने मम्मी पापा का एड्रेस देती हूँ, आप उनसे जाके पूछ लेना, और जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाके पूछ लेना वो कितने बुरे हैं, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर मैं आपको अपना ब्लॉग बनाती हूँ, अपने ब्लॉग में ही आप लोगों को ये बात सुनने के लिए मिलेगी, बट और इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी अभी नहीं बोलना चाहती, मुझे आप लोगों के सवालों का इंतजार रहेगा। आप जाओ पता करो, उसके बाद आप मुझसे पूछो आके, जो कुछ आपको कोई कमी और कोई बात निकलती दिखाई दे तो मैं आपको खुद उनसे, लोग वो नहीं देंगे मम्मी पापा का एड्रेस तो मैं दूंगी, खुद मेरी मम्मी पापा से जाके मिलना, उनसे बोलना कि आपने अपनी बहू के लिए ऐसा क्यों किया, तब आपको जवाब मिल जाएगा। वैसे तो हमारे गांव में पहुँच कर ही मिल जाएगा, 40 साल मेरी मम्मी ने उस गाँव में गुजारे हैं, एक भी बंदा अगर मेरी मम्मी की बुराई कर दे तो आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। या मेरी ये बोल दे कि उसकी नंद इतनी हराम है, उसने अपनी भाभी को दुखी करा है, ठीक है, बट उनसे ही मांगो जो सबूत वगैरह वो देना चाहती है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस इन शब्दों के सिवा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मुझे मेरी लाइफ में जीने दो, जैसे भी हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, मुझे इतना मतलब मुझे मत आकर बोलो ये सब चीज़ें, मैं टेंशन में आ जाती हूँ, मुझे ऑलरेडी 2 दिन से बुखार है, और मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे बिना नहीं जी सकते, इतना ही बोल लूँगी बस, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी। इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है, और डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसको ढक देती हूँ, धीमी आंच पर पकने देती हूँ, और फिर जब ये बन जाए तो इसको चेक कर देखना, इतनी टेस्टी सब्जी लगती है, एक बार ट्राई जरूर कर। बी के सिवा सी ई डी कुछ नहीं अब तक है? अरे बी हम भी नहीं सुनते, हम तो सी डी एफ जी एच सब सुना है। मेरे लाल ये और रेड जब के हम क्या बता रहे हैं, क्या ये एंड रही, क्या ये एंड रही, क्या माँ जी का बल्ब को धो रहा है, ये सामने बल्ब नहीं है क्या? यो ओ इंगे बताते तो इंगे कर रही, मुझे बड़े ढेर दिख रहे हैं, इंगे जहरीली होती तो माँ जहरीली होती होंगी। चौधरी साहब चले सब्जी देख ला अपनी, हटे बाबू को भी फूक जा, घुसी आ जा, मुझे यो कलेसर का दिखाई लटक जा, मेरा का दिखाई लटक जा, भी हाँ लटका फिर है। चलो सब्जी चेक कर लेते हैं, बहुत तो हमारी सब्जी जो है ना बनकर तैयार हो चुकी है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को खिलाइएगा। आप इसमें टमाटर प्याज लहसुन अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, तो मैंने ऐसे कुछ नहीं डाला, बस नॉर्मल मसाले हैं, और लौकी को जो है ना थोड़ा सा बेसन में रोल करके तल के तब सब्जी बनाई है, बहुत टेस्टी सब्जी लगती है, एकदम अलग सा स्वाद हो जाता है और खाने में भी अम्मी लगती है। तो मेरा तो वैसे बुखार में ना स्वाद सा बिगड़ रहा था, एकदम अच्छी लगी है बहुत, पेट भर के रोटी तो खा ली मैंने, और यहाँ पर अभी जो है ना शाम के बर्तन साफ किए थे, बस अभी है ना बच्चों को दूध घोल कर और देना है। सारे बर्तन जो है अभी टोकरे में लगा देती हूँ, जहाँ जो रखने हैं बड़े बड़े इस वाले स्टील के टोकरे में रख लेती हूँ, छोटे छोटे इधर लेली बास्केट में रख लेती हूँ। स्लिप सच में बहुत गंदा लग रहा है, पोछा लगाती हूँ, फिलहाल हिसाब सा नहीं है, थोड़े दिनों के बाद देखती हूँ, इस पर ना पन्नी वगैरह लगाती हूँ, सोच तो मैं कुछ और ही रही हूँ, फिलहाल पन्नी लगा कर ही काम चला लेंगे। ये परात जो है इसको मैं नीचे अक्सर रख देती हूँ,
और अभी बर्तनों का टोकरा जो है ना मैं ढक के रखती हूँ। नीली बास्केट नहीं, बड़े वाले बास्केट के बर्तन, पता है ना बारिश होने के बाद सिलाबन सी हो गई है, बड़ा अजीब सा हो रहा है। मतलब अभी सारे में एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे क्या, मतलब सारी रसोई का जो है ना एक तरह से डिसबैलेंस सब बिगड़ गया है, अजीब अजीब हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं बर्तन साफ़ करके आई, पता नहीं सारे गात में खुजली हो रही है, और यहाँ मैंने गर्म दूध का भगोना ऐसे ही हाथों से उठा लिया और मेरे हाथ जल गए। मैंने सोचा कि दूध वैसे पकाया था, अभी गर्म था, मुझे पता था, मैंने सोचा कि उठा लूँगी मैं, और मेरे बहुत तेज़ी से हाथ जले क्योंकि कायरव को भूख लग रही है, उसको चाय बोलता है वो दूध को, उसको चाय चाहिए। और फिर अवनी को भी दे दूँगी, वो भी सो जाएगी, उसको भी थोड़ा जुकाम सा हो रहा है, तबीयत अवनी की भी डाउन सी लग रही है। दरअसल हम तीनों को ही जुकाम से का असर हो रहा था, तो उसको भी लग रहा है। बोल तो रही कि मम्मी चाय दे दो बना के, मैंने कहा नहीं बेटा दूध पियो, चाय से क्या फ़ायदा होने वाला है, पीना तो दूध ही है, पर वो जुकाम की वजह से बोल रही थी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।